Hi everyone, welcome back to my channel Beauty and Reaction. I hope you all are doing well. So in today's video, हमारा कैमरा कुछ ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, तो हमको थोड़ा यहाँ करना पड़ेगा ऐसे, है ना? Yes. Okay. So in today's video, I'm gonna reacting to मोहन जी के लाइव शो में रिएक्शन देने वाले हैं, क्योंकि मोहन जी के लाइव शोज हमने सिर्फ दो पे रिएक्शन दिया आई गेस, तो हमको और रिएक्शन देने उस पर, है ना? एंड जो गाइज आप मुझे वीडियो बताते हो उस पर ज़रूर रिएक्शन आएंगे, ठीक है? यस, थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन रिएक्शन ज़रूर आएंगे, डोंट वरी, ठीक है? मैं हर एक की वीडियो रिएक्शन दूंगी, ठीक है? तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो, जो कि आपने रिक्वेस्ट करी है उसमें ज़रूर रिएक्शन दूंगी. बट अभी क्या है कि अभी ना वॉन्जी थोड़े लाइव शो चल रहे हैं, तो आई थिंक हमें पहले वॉन्जी के लाइव शो कवर करना चाहिए, देन वॉन्जी के सॉन्ग्स को एंड जो भी कुछ आप हमें रिकमेंड करें हम फिर उस पर ज़रूर रिएक्शन देंगे, है ना? तो आज हम जिस लाइव शो वॉन्जी के रिएक्शन देने वाले हैं उस लाइव शो का नाम है ओके फुल लाइव वुमन ने रख रवा के रख दिया. इसका जो फुल जो नाम है ना इस लाइव शो का, काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा नाम लग रहा है मुझे, कि फुल लाइव वुमन ने रवा के रख दिया बेस्ट लाइव कनाडा टूर 2022 ऑल सैड सॉन्ग्स एवर. मैंने ये लिटरली मैंने ये नहीं पढ़ा था कि इसमें ऑल मतलब इसमें सैड सॉन्ग वॉन जी ने गाए हैं, ये मैंने सिर्फ आपके सामने पढ़ा अभी अभी. सो लेट्स सी कि इसके अंदर कौन से वॉन जी सॉन्ग गाए हैं सैड सॉन्ग. तो गाइस चलो अब सैड माहौल बनाओ, जल्दी से सैड माहौल बना लो गाइस, क्योंकि हमें अब सैड माहौल में रिएक्शन देना है, ठीक है? सो यस, चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर, देखते हैं कि ये लाइव शो कैसा निकलता है, सब सॉन्ग वॉन्च के सैड कैसे निकलते हैं ना. यस, तो वीडियो को शुरू करें इस पर. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आप मुझे पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, मतलब तो सब्सक्राइब कर दो ना यार, क्यों नहीं कर सब्सक्राइब? हाँ, जस्ट डू इट, है ना? लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसे लगी है, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो मैं किस इंस्पिरेशन दूँ, मैं जरूर इंस्पिरेशन दूँगी. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक एंड स्नैपचैट, ऑल्सो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लीज़ चेकआउट कर लेना. डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. खातिर मैंने तोड़ा ये ख्वाब दीवानों का. अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. ये वाली मेरी इस पर ट्रांसलेशन वीडियो बनी है, तो कब डलेगी पता नहीं लेकिन डलेगी जरूर, इसको देखना जरूर, ठीक है? तो मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना, ठीक है? फॉर इस वीडियो को देखने के लिए. यार बेटी मेरे सुख की पढ़ाई तेरे पिछले लगी अपना इज्जत दवाई मैं कल्ला आप कुछ मैं कल्ला आप कुछ ममता बना के तुझको बुलाया देखे खुशियाँ ऐसा जवान हो जाने गोरे हो गए बहुत और बड़े आला दर्जे के पत्रकार भी है. असली सुनावा साला बड़े देख देख के लाओ, जलवा दिखाओ, जलवा दिखाओ ना यार, इतने सीनियर म्यूजिशियन हो तुझे कि सब तो निकल रहे हैं, वो टूटियां घर गई है मैंने जिगरा के देख असली भाई सीटी ना मारे यार एक बेनती है सारे परिवार को भी जो टिकट लेने होने हो
प्रमोटर को कहा करो भी जो सीटी बाबे ने आए अंदर नहीं होने चाहिए, ये सीटियां ने बाहर ही बिठा लिया करो, उसे मार मूर के जाया करें, एक बोतल खुला लिया करो, ये सीटी थोड़ी आप थोड़ी पाई जाए ना दारू मरवाई है मुझे दारू मरवाई है कल जब ट्रक से करना या गेट से आया करना ना ये सीटियां सूटियां रहने ही नहीं, फिर सामने कार वाली गोली मार के जाती है सीटी भी कितने चलना पड़ता है लोड लेके चले ना मारा करो बेनती है बड़े आके पंजाब तो हम सारे ने आना और सारे ने प्यार दो, मैं बेनती कर दूंगा कि सब को प्यार दो जिन्ना जिन्ना दे सकते हो, पर सीटियां होर बहुत सज्जना ने आए ना उन्होंने कुछ के मना करो मेरी बड़ी ना मारा करो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट देखो अंग्रेजी भी इतनी आउगी नहीं थोड़े जी मैं की करा थोड़ी जी बोल मैं फिर फस जाएंगे फिर सामू पंजाबी भी आना पैदा पर अस कह पब्लिक स्कूल है और मास्टर साढ़े झगड़ा बेच दवा बाद ला दे कहते गाल कटे कहते बाहर कटो जो अंदर पाओगे उन्होंने गाल लगेगी तो यह जे माहौल से अभी थोड़े अंग्रेजी भी की होने से दस हाँ मैं अपना हो सकिया मैं अपना हो सकिया तेरा दस की होना सी मैं अपना हो सकिया तेरा दस की होना सी मेरे कर्मा दे विच तके सी तेरे कर्मा विच रोना सी मैं अपना हो सकिया तेरा दस की मेरे कर्मा च तके सी ते तेरे कर्मा विच रोना सी मैं अपना हो सकिया कुछ खा लिया रिश्तेदार ने कुछ छक लिया है सरकार ने जरा बाकी बचिया सी मित्रा वो खा लिया मेरे यार कुछ छक लिया है सरकार ने कुछ खा लिया रिश्तेदार ने जरा बाकी बचिया सी मित्रो वो छक लिया मेरे यार ने कुछ शौक मार गए नहीं कुछ सज्जन खा गए नहीं कुछ शौक मार गए नहीं ते कुछ सज्जन खा गए नहीं बस ऐसे करके कहा सरकार ते आ गए नहीं बस ऐसे करके कहा सरकार ते आ गए बस ऐसे करके कहा और कुछ मोहब्बत का मूड है इंसान का मूड है मैं थोड़े अगर मूड नहीं जाता सारा थोड़ा है ना थोड़ा नहीं जीता अरे कितनी होगी उम्र 25 होगी 5 साल हो सोने में आते हैं ना कत्ती में साथ मेरा गांव में सोने में लाल 5 साल से सालों में वो शौक थी अब मेरे मित्र मेरे नाले आए ये आई हुई डॉक्टर आई कितने एक मोटा बच्चे मेरा जिगरी है ना बामन बाल्टी बामन है इधर को बहुत असर आता है इस बार अब ये तेरे हकीम ही हथियार भी होगा ना चौबीस घंटे लूगर लेना होना और लामा ना लेना है और बाल्टी लेना है और पंतावी हो कर जाना है सुना मैं बात सुना मैं तो कभी मूड उठा नहीं पाऊंगा तो ये हथियार है तो ठीक है कभी कभी इतना गाना अच्छा लगता है
पर मोहब्बत सदैव रहनी है। अरे तेन हो ही नहीं, अरे तेन ट्रक नाले हो ही, अरे तेरा सही कुछ ही जानना है, हो जूगी हो जूगी। मैं भी काले से ऐसे करके ढोलता सी भी मैं घर मार देना है, बस जो हो ही बस सारे गाने उतो ही निकले सारे। तो जे ना होती फिर मैं गाने कहने लिखने से फिर तुम कि सुनने दैट्स द वीडियो। जो लाइव शो होते हैं मान जी के बहुत अच्छे होते हैं, वी ऑल नो दैट। लेकिन जो सैड सॉन्ग के जो लाइव शो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही सैड होते हैं। मतलब ऑब्वियसली सैड सॉन्ग है तो उसमें आपको सैड फील होगा ही होगा। टाइटल जैसे मैंने कहा था कि टाइटल मैंने इसका नहीं पढ़ा था, मतलब मैंने पढ़ा था लेकिन जब मैंने आपके साथ पढ़ा तब मैंने देखा कि इसमें ऑल सैड सॉन्ग लिखे हैं एवर, मतलब जो मान जी ऑल सैड सॉन्ग है उसकी यहाँ बात करी गई है। तो चीज़ सॉन्ग जो थे इसके अंदर बहुत अच्छे, शुरुआत में सॉन्ग गाया था मान जी थोड़ा सिमिलर लग रहा था मुझे। आई थिंक वो मान जी ने किसी रियल सॉन्ग गाया, आई थिंक इसका कोई रिमिक्स बना होगा उसका, मान जी रियल सॉन्ग गाया है
बट वो सॉन्ग कौन सा था आई डोंट नो दैट, ठीक है। बट दो जो सॉन्ग थे लास्ट के वो हमें पता है, एक तो था मेरा गम और एक था रब ना करे जिंदगी से को दगा दे दे, ठीक है। तो इन दोनों पे मैं रिएक्शन दे रखे हैं गाइस, अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको जाकर जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने लाइव शो भी रिएक्शन दिया इनके, तो आप वो भी देख सकते हैं बिना किसी झिझक के, है ना। सो आई लव दिस लाइव शो सो मच, एंड मतलब जो भी मौन जी के लाइव शो होते हैं ना, वहाँ पे मौन जी सैड सॉन्ग लगाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। एंड सैड सॉन्ग जो फरमाइशें करते हैं लोग वो तो ख़त्म नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि नो जो नॉर्मल सॉन्ग होते वो अपनी जगह, लेकिन जो सैड सॉन्ग है वो और ही अपनी जगह है, क्योंकि सैड सॉन्ग और मौन जी की वॉइस दोनों ना जब मिल जाते हैं तो बंदा और सैड हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ही कातलाना सॉन्ग है मेरा गम, तो बहुत ज़्यादा ही नो सैड सॉन्ग है वो, उसके जो लिरिक्स है वो तो और ज़्यादा ही खतरनाक है मेरा गम सॉन्ग के, ठीक है। तो जब मैंने सॉन्ग को शुरुआत में सुना था पहली बार, सो आई फील वेरी बैड, मतलब मुझे इतना बुरा फील हुआ। एंड देन उसके बाद फिर मैं उसको लाइव शो देखा, एंड उसके बाद से मेरा वो सॉन्ग फेवरेट बन चुका है, अब तक वो सॉन्ग मेरा फेवरेट है मोहन जी का, ठीक है। सो आई लव दिस लाइव शो सो मच, वीडियो बहुत अच्छी थी मोहन जी, जैसा गाते वो अच्छे, जिस तरह मोहन जी बैठ जाते ना नीचे स्टेज पे यार, मज़ा आता है देख के यार, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है मोहन जी, ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मैं नीचे बैठूँ, मैं कहीं बैठूँ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस ये कि हाँ मैं बैठ गया, कोई बात नहीं, चिल है मेरा लाइव शो है, मैं इसमें कुछ भी करूँ। सो आई लव दिस वीडियो सो मच, एंड जो लोग हैं वहाँ बैठे हुए, जो लोग शोर मचाते हैं ना जब मोहन जी सैड सॉन्ग गाते हैं, वो एक अलग ही तरह का वो होता है शोर, जब मोहन जी मेरा गम सॉन्ग इन जब उसका गाया कि मेरा गम है, तो इसमें इतने लोग शाउटिंग करने लगे, इतने लोग शाउटिंग करने लगे कि मैं क्या बताऊँ, आपने सुनी होगी वीडियो। एंड इसके अंदर मोहन जी ने एक और चीज़ बोली कि भाई मेरे शो में आके तुम सीटियाँ मत बजाया करो, मतलब मोहन जी के देखो शो में तुम जा रहे हो तो उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है मोहन जी के, ऐसा नहीं कि तुम उनके शो में गए तुम कुछ भी कर रहे हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, नहीं नहीं तुम वो से कुछ नहीं कर सकते। तुम अगर मोहन जी के लाइव शो में गए हो तो यू हैव टू फॉलो द रूल्स जो कि मोहन जी ने खुद बनाए हैं, ठीक है। मतलब सीटी नहीं बजानी, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मेरे गाने को सुनना है, तो मोहन जी को वो सख्त नफरत है उससे, बेशक शाउटिंग कर लो हूटिंग करो लेकिन सीटी मत बजाना, क्योंकि सीटी बजाना लाइक यू नो ऑब्वियसली लोगों का प्यार है मोहन जी के लिए, लेकिन सिर्फ सीटी बजाना थोड़ा सा ऑड लगता है, तो दैट्स व्हाई मोहन जी ने मना करा सीटी बजाने से। एंड ही सैड कि इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सीट ना बजाएं। एंड फिर मोहन जी ने बोला कि हमको इतनी इंग्लिश तो आधी नहीं है, एंड हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो फिर उसके बाद हमारी पंजाबी निकलते हैं, मतलब आधी हमारी इंग्लिश निकलती है उसके बाद हमारी पंजाबी निकल जाती है। मतलब ही इज़ सो क्यूट, प्लस ही सो मतलब ना मतलब ही सो ओपन कि भाई कुछ भी बोलते थे, एंड मतलब ऑब्वियसली है ना। सो येस आई लव दिस वीडियो सो मच, एंड आई होप कि आपको मेरे रिएक्शन पसंद आएगा इस वीडियो पे, अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल इट्स फ्री, उसके आज जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरे को वीडियो आए सबसे नोटिफिकेशन आप पास हो गए। इतना ही मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब प्लीज टू से बाहर मत निकले बिकॉज कोरोना वायरस आंसर वो मुझे कमेंट गाल देगा, ठीक है बाय। कमेंटा गाल नहीं कटनी।